अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं, खैरियत से हैं? भरपूर तैयारियों के साथ आपके दिन बहुत अच्छे से गुजरे होंगे। और जब खाना जब खाते हैं घर वाले तो ज़रूर पूछते हैं, भाई आज मीठे में क्या है। तो ऐसे ही चाहे ईद है या बकरीद है, ये हमारी रिवायत है कि सेवैयाँ हम बनाते हैं। अब ईद पर आपने देखा था, मैंने अपनी वालदा का पसंदीदा और जो उनके हाथ का शीर खुरमा होता वो मैंने आपको बनाना सिखाया था। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही शानदार सी ज़ाफ़रानी सेवैयाँ। अहम चीज़ ये है इसमें कि आप इसको बना के बहुत सारे बड़े बॉक्स में बना के रख सकते हैं, उसे क्या होगा जब आपका दिल चाहे निकालें, मेहमान आए, ख़ुद का दिल चाहे तो बिल्कुल आराम से आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। ये ज़ाफ़रानी सेवैयाँ हैं। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो ज़ाफ़रान एसेंस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, और अगर ज़ाफ़रान एसेंस नहीं है तो भाई केवड़ा एसेंस इस्तेमाल कर लीजिएगा। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन ज़ाफ़रान से ज़रा टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी, सबसे पहले तो देखें जब सेवैयाँ बनती हैं तो भाई घी का होना तो लाजमी है। मीठे हमारे रिवायती जो होते हैं वो देसी घी में, और घी में बनाए जाएँ तो बहुत ही शानदार बनते हैं। यहाँ पर मेरे पास पूरा एक पैकेट सेवैयाँ हैं और यहाँ पर मैंने ले लिया है घी, ठीक है ना। घी मेरे पास है तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। इसे मैं शामिल करूँगी, इसको थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, दो से तीन हम डालेंगे इसमें, तीन चार बल्कि डाल देते हैं। ये छोटी इलायची, ये चली गई, ठीक है ना, ये चली गई इसके अंदर, बड़ी अच्छी सी खुशबू आई है। ठीक है, छोटी इलायची लेते वक्त ख्याल किया करें कि ग्रीन आना चाहिए। ये मेरे पास जो है ना ज़रा ग्रीन सी हैं, तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर, मैंने जैसे ही कैप खोला है तो बहुत अच्छी खुशबू आई है। ये हो गया, और इसको हल्का सा हम थोड़ा सा लाइट कलर दे देंगे, ये हो गया। साथ ही डालेंगे इसमें सेवैयाँ, ये गई सेवैयाँ जो पूरा एक पैकेट थी, पैकेट में जो आती हैं वो एक ही साइज़ होता है। इसको हम हल्की आँच पे थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। ये इतनी सिंपल रेसिपी है, आप कहेंगे भाई वाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये तो। इसको हम मिक्स करते हैं इतना कि थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए, ठीक है ना। लेकिन मैं इसमें ज़ाफ़रान शामिल करूँगी तो देखिए, मैं तो इतना ज़्यादा ज़ाफ़रान इसमें शामिल नहीं कर सकती, और आप भी डेफिनेटली सोचेंगे कि बहुत ज़ाफ़रान है, लेकिन खुशबू अच्छी सी आना चाहिए। बहुत कलर देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर जो कि बिरयानी में डाला जाता है, तो वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ये हो रहा है अच्छा। सेवैयों को बनाने से पहले जब आप चाहे शीर खुरमा बनाते हैं, सेवैयों का ज़रदा बनाते हैं, या सेवैयों की जो भी चीज़ आप बनाते हैं, तो सेवैयों को थोड़ा सा तोड़ा ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि ज़रा सेवैयाँ बड़ी बड़ी नहीं रहती, क्योंकि जब आप ये गल जाती हैं तो वो खाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो थोड़ा तोड़ लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया है, ठीक है। अब ये हो गया, इसका मुझे इतना ही कलर रिक्वायर था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चीनी, ये चीनी मेरे पास ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा कम डालूँगी इसके अंदर। ये गई 3/4 कप, ठीक है ना, चूल्हा मैं स्लो कर रही हूँ। ये गई 3/4 कप चीनी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी, पानी कितना जाएगा इसमें, आधा कप पानी, आधा कप पानी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर, ये चला गया येलो फूड कलर। और अब डालेंगे इसको, पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब जाएगा इसमें ये दूध, अच्छा दूध है ये मेरे पास, ये देखें पूरा 1 कप है, ये मैं डाल देती हूँ इसमें। अब आएगा कलर इसमें थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ करूँगी, इसकी वजह क्या है ये आपको हम बताते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, साथ ही इसमें ज़ाफ़रान भी शामिल कर देते हैं। ये जाएगा तकरीबन इसमें, ये चला गया, ये तकरीबन जैसे कि 1/4 टीस्पून से लेकर 1/2 टीस्पून तक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का है,
खैर मैं कह रही हूँ अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि काफ़ा महंगा मैंने ख़रीदा था। अब आयरनों के ये वाकई अच्छा है कि नहीं है, ये देखें इसका कलर सा आना शुरू हो गया ना। चलो इसको मिक्स करते जाते हैं। एक लीमू जो है वो काट लें, उसका हाफ लीमू करने के बाद आपने इसमें डालना है लीमू का रस। ये देखिए ये क्या लीमू का रस इसमें। अब आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा दूध जो है हल्का सा फटना शुरू हो गया, यही इसकी खसूसियत है और यही इसकी ज़बरदस्ती क्वालिटी की। ये देखिए हल्का सा आपको लग रहा होगा दूध थोड़ा सा फटा फटा सा, लेकिन क्या है ये बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। अब मैंने चूल्हा हल्का कर दिया है और अब मैं क्या करूँगी कि इसको स्लो हीट पर इतनी देर कुक करेंगे कि ये अच्छा दम पर आ जाए। इसको मैं कवर करती हूँ और 10 मिनट बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो ये बहुत सारे बादाम पिस्ते हैं ये इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। इसमें बादाम पिस्ते काजू और किशमिश शामिल है, ठीक है, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी और आखिर में हम इसको क्रीम से गार्निश करेंगे। इट्स अप टू यू, करना चाहते करें, नहीं करना चाहते तो बिल्कुल फ्री हैं आप, ठीक है। तो ये डिश आपने ज़रूर बनानी है क्योंकि सिंपल भी है और खाने में अच्छी भी लगेगी आपको। उसमें दूध भी है, सेवैयाँ भी हैं, लेकिन शीर खुरमे से बहुत मुख्तलिफ। चलिए खुशबू तो मुझे अच्छी सी आ रही है, तो एक काम करते हैं इसको खोल के देख लेते हैं। वाह ज़बरदस्त सी ये सेवैयाँ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तैयार हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे हम इससे, मैं आपको पहले तो दिखाती हूँ। ये देख ओए होए क्या ज़बरदस्त सी हो चुकी, थोड़ा सा चूल्हा मैं तेज़ करूँगी। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं, बहुत ही मज़े की बनेंगी। अच्छा खोया ये ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू, डालना चाहते हैं ज़रूर डालिएगा, नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं। मेरे पास दरअसल था सब तो मैंने डाल लिया, वरना मैं खोए के इतने फेवर में होती नहीं हूँ, क्योंकि खोए के साथ ये होता है कि सेंसिटिव चीज़ होती है, ये थोड़ा सा जल्दी ये गड़बड़ कर जाती है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया और अब क्या डालेंगे, अब डालेंगे भाई इसमें और चीज़ें डालेंगे। ये गैस में कुछ बादाम पिस्ते और काजू किशमिश ये सब चीज़ें चली गई। इसको अगर आप चाहें तो 2 मिनट दम पे रख दीजिए, नहीं तो इसको आप इस तरह से ही, ये देखिए क्या प्यारा सा इसका ज़ाफ़रान का कलर आया है, ठीक है। चले जी मैं इसको निकालती हूँ, फिर मैं आपसे कहूँगी ज़ाफ़रान नहीं है कोई इशू नहीं है, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन है ये ज़ाफ़रानी से नहीं है। चले जी बारी आती है इनको डिश में निकालने की। बहुत ज़्यादा इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ये फिर भी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मीठा एक ऐसी चीज़ है कि भाई खाने के बाद सब ये पूछते हैं भाई मीठे में क्या है, तो बकरीद के मौके पर स्पाइसी चीज़ें जब आप खाते हैं तो ये गर्मा गर्म ज़बरदस्त सा मीठा बनाइएगा। अच्छा ये गर्मा गर्म चीज़ें जो ना सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों भी इक्वली मज़ा देती हैं, और मुझे तो थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पर आ जाता है ना तो ये बहुत ही कोई मज़ेदार लगता है मुझे। वैसे ये कि चांदी का वर्क हमारे जो देसी मीठे होते हैं उस पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है कुछ ऐसा तो फिर बाज़ार से लेकर आइएगा और लगाइएगा, ठीक है। मैं आप हरगिज़ भी ये नहीं कहूँगी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, नहीं भाई आप लगाइए। ये देखें कितनी खूबसूरत ये डिश लगी है कि जिसके सामने भी आप रखेंगे उसको मज़ा आएगा, देखकर भी मज़ा आएगा और खा के तो इंशाल्लाह ताला आने ही वाला है। तो बनाइएगा इस ज़बरदस्त सी ज़ाफ़रानी सेवैयों को, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीरा जलील और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द नेक्स्ट स्कूल मलीर कैंपस में। जनाब एंट्रेंस में तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर समर कैंप है, समर कैंप में हम क्या करने आए हैं यहाँ पर तो वो हम आपको बताएंगे, आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ पर माशाल्लाह बच्चों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं।